जब भी हम खुश होते हैं तो दिल से संगीत निकलता है, और जब कभी उदास रहते हैं तो हमें खुश कर देता है संगीत। कुछ पलों को कभी भावुक कर देता है संगीत, तो कभी मन में सपने संजोने के लिए पंख लगा देता है संगीत। देखिए विश्व संगीत दिवस पर हमारी खास रिपोर्ट। जी हाँ, संगीत से हर किसी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है कि जीवन के महत्वपूर्ण पल संगीत से ही होकर गुजरते हैं। जब चाहे जैसा चाहे मूड को जो बदल देता है संगीत। इसीलिए तो जब भी हम तनाव में या फिर दुखी होते हैं, तुरंत रेडियो या फोन में मौजूद एफएम की बटन पर हाथ जाता है और गीतों के जरिए हम अपना मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं। भला संगीत से अच्छा माध्यम और क्या हो सकता है खुद को खुश, ऊर्जावान और तनाव मुक्त करने का। संगीत है एक अटूट बंधन, तन मन और दिलों को जोड़ता है संगीत। सुख दुख के पलों का साथी है संगीत, मन के सपनों को संजोता है संगीत, तब जीवन में पंख लगा देता है संगीत। दोस्तों, संगीत का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, चाहे वो घर में शादी का उत्सव हो, चाहे वो त्योहार हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो गम हो। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि हम सभी को संगीत को अपनाना चाहिए, क्योंकि संगीत एक थेरेपी है। अगर आप गम में हैं, आप गाना गाएंगे या आप म्यूज़िक सुनेंगे या आप नाचेंगे, आप मस्ती करेंगे, आपको सुकून मिलेगा, आप उस गम से बाहर आ जाएंगे। और आज के दौर में चारों तरफ आप भी अपने नज़र उठा के देखिए कि संगीत, लोगों ने संगीत को बहुत अपनाया है अपने जीवन में, जो कि बहुत अच्छा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है उससे सभी लोगों का बिहेवियर, उनका जो सोचने का तरीका है, उनकी फीलिंग्स हैं, वो सब बदल रही हैं। तो दोस्तों, क्यों ना हम सभी आज के दिन ये प्रण लें कि हम संगीत को किसी भी रूप में, चाहे वो सुने, चाहे हम नाचें, चाहे हम गाएं, हम उसे अपने जीवन में अपनाएंगे। तो दोस्तों, मेरा साथ दीजिए, मैं भी इसी दौड़ में हूँ, मैं भी इसी राह पे हूँ, तो क्यों ना हम इस दिन को बहुत अच्छे से। यही नहीं, गीत कोई भी हो, हम हर परिस्थिति में खुद को उससे जोड़ लेते हैं। जैसे यदि कोई प्रेम संगीत हो तो उसे सुनकर हम अपने प्रिय को याद कर उसी भाव में खो जाते हैं, या फिर कोई इमोशनल गीत संगीत सुनते समय हम भी उन्हीं भावनाओं में बहने लगते हैं। देशभक्ति गीत सुनकर हमारा मन देशभक्ति की भावना से भर उठता है, और इसी तरह से गीत हमारी भावनाओं से जुड़कर हमें भावनात्मक सहयोग प्रदान करता है। संगीत जो है अपने आप में हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। एक इंसान के जीवन में, इवन पशु के जीवन में ही बहुत महत्व रखता है। आप देखिए कि कई बीमारियां संगीत से दूर हो जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो, और आजकल संगीत चिकित्सा तो बहुत अच्छे स्तर पर चल रही है, जिसके कारण कोई बहुत दुर्लभ बीमारियाँ भी और बहुत जो है बड़ी बीमारियाँ भी दूर हो रही हैं या कम हो रही हैं। इसके अतिरिक्त संगीत से व्यक्तित्व का विकास होता है। संगीत का रिश्ता हर इंसान से है, फिर चाहे वह बड़ा बुजुर्ग हो या बच्चे। संगीत हमारे जीवन में केवल प्रभावित ही नहीं किया, बल्कि बदल कर रख दिया। शायद इसीलिए संगीत आज हम सबके जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। कैमरा पर्सन दिनेश मेहरा के साथ सुरेंद्र बिजारणिया, एवन टीवी, जयपुर।